A very good morning to all my students. How are you going on with your studies? I am back with a new chapter. First you tell me, are you missing your school? You are studying at home approx 3 months. आप 3 महीने से ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं. आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं. तो आप क्या स्कूल को मिस कर रहे हैं? इफ यस देन व्हाई? क्यों? आई थिंक यू आर मिसिंग योर क्लासमेट्स, योर स्कूलमेट्स एंड योर टीचर्स. आप अपने टीचर्स को जो उनके साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, अपने स्कूलमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ जो आप फन करते हैं, आप उसे मिस कर रहे हैं. बट जस्ट इमेजिन कि अगर आपको होल स्टडीज घर से ही ऑनलाइन कंप्यूटर से करनी पड़े तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे कि मैं आपसे ये इमेजिन करने को क्यों कह रही हूँ. बिकॉज आवर टुडेज टॉपिक इज द फन दे हैड, जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमारे फ्यूचर को इमेजिन किया गया है, जिसमें ये शो किया गया है कि हम जो रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं उस टाइम वो रेगुलर स्कूल नहीं है, बल्कि बच्चे अपने घर पर ही ऑनलाइन स्टडी करते हैं, कंप्यूटर से स्टडी करते हैं, उनके लिए फिजिकल टीचर्स नहीं. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, बिकॉज योर लाइक्स मोटिवेट मी अ लॉट. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द स्टोरी इज द फन दे हैड by Isaac Asimov. Isaac Asimov was an American writer. ये एक American writer थे. Actually में ये एक professor थे और इन्होंने एक science fiction की है. Science में एक कल्पना की है कि कैसे जब technology बहुत developed हो जाएगी तो उस time उन्होंने उस time के schools को imagine किया है इस story में. तो चलिए हम इस story के characters देख लेते हैं. The main character of the story is Margie. मार्जी एक 11 ईयर की गर्ल है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. द सेकंड वन इज टॉमी, अ बॉय ऑफ 13 इयर्स. मिसेज जोन्स, मार्जीज मदर, ये मार्जी की मदर है. एंड लास्ट वन इज काउंटी इंस्पेक्टर. तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. स्टोरी की स्टार्टिंग में मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा 17 मई 2157. इससे हमें पता चलता है कि ये जो स्टोरी इमेजिन की गई है वो इमेजिन की गई है 2157 में, जबकि हम करंटली जो रह रहे हैं वो है ईयर 2020. तो ये काफी आगे जो है फ्यूचर में इसको इमेजिन किया गया है. और वो अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. अब ये रियल बुक क्या होती है? हमारी जो बुक्स है वो तो रियल ही है. बट जस्ट रिमेम्बर कि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में इमेजिन की गई है, तो शायद ये बच्चे उस रियल बुक के बारे में नहीं जानते. अब मार्जी को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि जब वो बच्चे थे, जब वो चाइल्ड डेज में थे, देन हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज ए टाइम वेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. कि उसके दादाजी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि उनके टाइम में जो स्टोरीज थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी. पेपर होता था जिस पर स्टोरीज प्रिंट की जाती थी. अब मार्जी और टॉमी उस बुक को देख रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि द वर्ड्स वर स्टिल, जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, रुके हुए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे. जबकि वो जिनसे पढ़ते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो उनकी स्क्रीन में जो वर्ड्स हैं वो मूव होते रहते हैं. मूव, उनके बीच में मूवमेंट होती है, वो वर्ड्स वहां से चले जाते हैं एंड नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर हो जाती है. तो उनको ये बात बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं. तो उन्हें लगा कि इस तरह से तो ये जो बुक है ये यूजलेस है, इसे थ्रो करना पड़ेगा, इसे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद तो उन्हें उस मैटर को पढ़ने की जरूरत नहीं है. जबकि उनकी टैली बुक में तो मिलियंस ऑफ जो मैटर है, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, वो उसमें सेव रहती हैं और वो कभी भी किसी भी बुक को निकाल कर पढ़ सकते हैं. और हमारी इस बुक के अंदर तो एक ही तरीके का मैटर है जो उसमें स्थिर रहता है. अब मार्जी टॉमी को पूछती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली. देन टॉमी आंसर्ड, इन माई हाउस, इन माई एटिक, कि मेरे घर में एटिक में मिली. अब एटिक क्या होती है? एटिक इज ए स्पेस अंडर रूफ. रूफ के नीचे एक स्पेस होता था जो एज ए स्टोर रूम काम करता था. उसमें हम छोटे मोटे सामान को वहां पर स्टोर कर सकते थे. तो उसे अपने एटिक में वो पुरानी बुक मिल जाती है
और वो बुक लेकर मार्जी के पास आता है। मार्जी फादर आस्क्ड व्हाट इज इट अबाउट, कि ये बुक किस बारे में है। देन टॉमी रिप्लाइड इट इज अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वो स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हेट स्कूल, मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे मतलब टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और मार्जी की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही खराब थी। मार्जी की मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। सेंट फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बुलाकर लाना। द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड विद अ बॉक्स ऑफ टूल्स। उसका जो वो काउंटी इंस्पेक्टर था वो हाइट में छोटा था, उसका फेस रेड कलर का था और उसके हाथ में एक टूल किट थी जिसके अंदर उसके वायर्स एंड डायल्स थे। काउंटी इंस्पेक्टर गेव एन एप्पल टू मार्जी, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी को एक एप्पल दिया। एंड ही टुक हर टीचर अपार्ट, और उसने उसके टीचर को लिया और उसको अपार्ट कर दिया, मतलब कि उसके टीचर के जो पार्ट थे वो अलग अलग कर दिए। अब आप सोचेंगे कि टीचर के पार्ट कैसे अलग अलग कर दिए। सो डोंट फॉरगेट दैट द टीचर वॉज अ मैकेनिकल टीचर, जो टीचर था वो एक मैकेनिकल टीचर था, एक स्क्रीन थी जिसके उसने टुकड़े कर दिए। अब मार्जी सोच रही थी कि काश काउंटी इंस्पेक्टर को ये ना आता हो कि कैसे इसको वापस असेंबल किया जाता है, यानी कि वो नहीं चाहती थी कि वापस से उसका जो टीचर है वो सही हो जाए और वापस से उसकी जो पढ़ाई है उस मैकेनिकल टीचर से स्टार्ट हो। बट ऐसा हुआ नहीं। एंड आफ्टर एन आवर द टीचर वॉज रेडी विच वॉज ब्लैक अगली एंड अ बिग स्क्रीन। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करना होता था उस स्लॉट से उसे थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मदर को बताया दैट देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द लिटिल चाइल्ड, इस लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है। एक्चुअली जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा फास्ट था, वो थोड़ा क्विक था। आई हैव स्लोड इट डाउन, मैंने इसे थोड़ा स्लो कर दिया है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की एज के अकॉर्डिंग मैंने इसे स्लो कर दिया है। एंड द रिपोर्ट इज सेटिस्फैक्ट्री, जो लिटिल गर्ल की रिपोर्ट है, जो उसकी प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब आप उसे सेटिस्फाई हो सकती हैं। अब मार्जी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई बिकॉज उसे लगा था कि शायद 1 मंथ के लिए वो उसके टीचर को उनके पास से ले जाएं, जैसा कि टॉमी के साथ किया था कि एक बार टॉमी का जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, इसलिए वो 1 मंथ के लिए उसके टीचर को अपने साथ ले गए थे वैसा। बट मार्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ और मार्जी का जो टीचर था वो उसकी पढ़ाई के लिए रेडी था। मार्जी आस्क टॉमी, मार्जी टॉमी को पूछती है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी रिप्लाई करता है दिस इज नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल्स, ये हमारे जैसे स्कूल्स नहीं है। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स सेंचुरीज अगो, जो सेंचुरीज पहले स्कूल्स होते थे ये वो स्कूल्स हैं। देन मार्जी आस्क एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब कि क्या उनके कोई टीचर भी होता था। तो टॉमी कहता है यस श्योर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। यहाँ रेगुलर टीचर का मतलब है कि जिस मैकेनिकल टीचर से मार्जी और टॉमी पढ़ते हैं वो मैकेनिकल टीचर नहीं बल्कि एक मैन टीचर होता था। तो मार्जी को बड़ा हैरानी होती है, बहुत आश्चर्य होता है और वो कहती है बट अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कि एक जो मैन है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। तो टॉमी कहता है श्योर बिल्कुल हो सकता है, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर, यानी कि मेरा मैकेनिकल टीचर जितना जानता है उतना ही मेरे फादर भी जानते हैं। आई बैट चा का मतलब है कि मैं बैट लगाता हूँ, लेकिन मार्जी उसके साथ कोई बैट नहीं लगाना चाहती। वो फर्दर पूछती है बट आई वुडंट नीड एनी स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, कि मुझे कोई स्ट्रेंज पर्सन, कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में नहीं चाहिए। तो टॉमी हंसता है, वो कहता है यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानती हो कि दिस टीचर वॉज नॉट लिव इन हाउस, ये जो टीचर होते थे ये उस टाइम घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द किड्स वेंट, एक स्पेशल उनके पास बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग,
मार्जी पूछती है कि सारे किड्स सेम थिंग लर्न करते थे, तो टॉमी रिप्लाई करता है यस इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सब सेम एज के होते थे तो सेम थिंग्स ही वो लर्न करते थे। तो मार्जी कहती है कि मेरी मदर तो कहती है कि हमारा टीचर हर बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग सेट होता है, यानी कि हर बच्चे का टीचर जो है वो उसके माइंड के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से सेट किया जाता है, किसी का फास्ट और किसी का स्लो। बट टॉमी कहता है दे डिड नॉट डू दिस, वो पहले के लोग इस तरह से नहीं करते थे। इफ यू डू नॉट लाइक द बुक यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी कहता है अगर आपको बुक पसंद नहीं आई मार्जी, तुम्हें बुक पसंद नहीं आई तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मार्जी सैब आई डिडंट से आई डिडंट लाइक, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आई। इतने में मार्जी की, इससे हमें यह भी पता चलता है कि मार्जी वॉन्टेड टू रीड द बुक अबाउट स्कूल, मार्जी जो है वो स्कूल के बारे में उस बुक को पढ़ना चाहती थी। तभी मार्जी की मदर से आवाज लगाती है और कहती है मार्जी स्कूल, यानी कि मार्जी के स्कूल का टाइम हो गया। तो मार्जी रिप्लाई करती है नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। तो मिसेज जोन्स कहती है कि टॉमी के स्कूल का भी शायद टाइम हो गया है, यानी कि टॉमी के भी टाइम हो गया है। अब मार्जी और टॉमी अपने स्कूल को जाने लगते हैं। तो मार्जी टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक अगेन विद यू आफ्टर स्कूल, कि स्कूल खत्म होने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ वापस बुक पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी कहता है मे बी, और इस तरह से कहकर ही वेंट अवे एंड ही टक्ड द बुक बीनीथ हिज आर्म, वो अपनी आर्म के नीचे उस बुक को टक करता है और वहां से चला जाता है। मार्जी वेंट टू हर स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। अब उसका ये स्कूल रूम कहाँ था, इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के बिल्कुल पास वाला रूम था। एंड हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर यानी कि जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन थी वो ऑन थी। एंड इट सेड आर टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो कंप्यूटर उसको कुछ मैथ के बारे में पढ़ा रहा था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कंप्यूटर ने कहा कि आपका जो कल का जो होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। मार्जी डिड सो विद अ साय, मार्जी ने एक लंबी सी आह लेकर अपना जो होमवर्क था वो उसमें इंसर्ट कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल के बारे में ही थिंक कर रही थी। उसे बहुत अच्छा लगता था कि कैसे एक साथ जो आस पड़ोस के बच्चे थे, नेबरहुड से बच्चे थे, वो एक साथ स्कूल जाते थे शाउटिंग एंड लाफिंग, हंसते हुए शाउटिंग करते हुए एंड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वो स्कूल रूम में भी एक साथ बैठते थे। एंड दे कुड हेल्प ईच अदर इन देयर होमवर्क, वो एक दूसरे को होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे बिकॉज दे रेड द सेम थिंग्स, क्योंकि वो एक जैसी चीजें ही पढ़ते थे। सो इन दिस वे शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो पहले के बच्चे, जो वो बच्चे जो रियल स्कूल और रियल बुक से पढ़ते थे, वो बच्चे कैसे फन करते थे, वो उसके बारे में सोच रही थी। तो इस तरह से मार्जी जो है वो अपने स्कूल को पसंद नहीं करती थी बिकॉज वो उस फन को मिस करती थी जो आजकल के बच्चे हमारे स्कूल में एंजॉय करते हैं स्टडी के साथ साथ। वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी में जो इमेजिन किया गया है कि मार्जी और जो टॉमी जैसे बच्चे जो कि फ्यूचर के बच्चे हैं वो सिर्फ वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं और उनका जो टीचर होता है वो एक मैकेनिकल टीचर होता है। सो आई विल मीट यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।